कोरोना संक्रमण के चलते लगभग जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र से बाहर है, वहीं झुंझुनू के नवलगढ़ से विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा इस विपदा की घड़ी में लोगों के बीच है। जी हां, नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा आज अपने क्षेत्र के दौरे पर निकले। नवलगढ़ SDM मुरारीलाल शर्मा, DSP रामचंद्र मुंड, चेयरमैन सुरेंद्र सैनी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ साथ अलग गाड़ियों में सोशल डिस्टेंस बनाते हुए डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने पहले नवलगढ़ कस्बे की गलियों का दौरा किया। इसके बाद वे करीब 2 दर्जन से अधिक गांव में गए, जहां पर उन्होंने माइक द्वारा सभी को संबोधित किया और कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से किसी से मिल नहीं सकते, लेकिन केवल इतना कहने आए हैं कि सरकार की एडवाइजरी का पालन करें और घर से ना निकले। हर व्यक्ति की सेवा करने के लिए वे खुद, उनके कार्यकर्ता, यहाँ का प्रशासन और सरकार लगी हुई है, इसलिए वे परेशान न हो। इस तरह का आश्वासन और हौसला बढ़ाने वाले डॉक्टर राजकुमार शर्मा प्रदेश के पहले जनप्रतिनिधि हैं। आपको बता दें कि विधायक कोटे से 50 लाख रुपए जरूरतमंदों को खाना खिलाने की अभिशंसा भी सबसे पहले डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने ही की थी, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री ने इस अभिशंसा के चलते विधायक कोटे को ओपन कर दिया। इस महामारी से निपटने के लिए इसके अलावा भी डॉक्टर राजकुमार शर्मा लगातार नवलगढ़ में रहकर हर काम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वहीं लोगों के बीच सहायता भी पहुंचा रहे हैं। आप भी सुनिए किस तरह से अपने क्षेत्र के लोगों को आश्वस्त करने के साथ साथ उनका हौसला बढ़ा रहे हैं नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा। अब उन्हें भी जनप्रतिनिधियों में से सुपर कोरोना वॉरियर्स कहना गलत नहीं होगा। आप लोग जिस प्रकार से लॉकडाउन का और कर्फ्यू का सख्ती से पालन कर रहे हैं, आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। पूरे नवलगढ़ शहर का मैंने दौरा किया है, सब लोग ईमानदारी से घरों के अंदर हैं। आप लोगों की ईमानदारी हम सब लोगों को बचा पाएगी। आज उसी की वजह से पिछले 4 दिनों से कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया हमारे नवलगढ़ के अंदर। बाबा राम साफी हम सब की रक्षा करेंगे और हम सब लोग एक दूसरे की रक्षा करेंगे। आप लोग घबराए नहीं, घर में रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार शर्मा आप लोगों से मिलने के लिए आया हूँ, लेकिन ये ऐसी महामारी है कि हम आमने सामने नहीं मिल सकते। हम एक दूसरे को दूर से देख सकते हैं, एक दूसरे को दूसरे की मदद कर सकते हैं। आप लोग घबराए नहीं, हमारा एक एक कार्यकर्ता गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आपके जीवन के प्रति दिन रात मेहनत कर रहा है, दिन रात सेवा कर रहा है। अपनी जान जोखिम में डालकर आप लोग घरों में रहे, सुरक्षित रहे। कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, ये हमारा वादा है। आज लेकिन पता नहीं मान लो जाए बैठे तो भी मन में पड़ी आपका ध्यान रख रहा है और आप लोग जिस प्रकार से सख्ती से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, ये अपने आप पे आप लोग बधाई के पात्र हैं। और इस निरंतरता को आप बनाए रखें, बहुत जल्दी हम लोग इस महाबीमारी से छुटकारा पाएंगे और वापस जीवन। पूरे नवलगढ़ शहर का मैंने दौरा किया है, सब लोग ईमानदारी से घरों के अंदर हैं। आप लोगों की ईमानदारी हम सब लोगों को बचा पाएगी। आज उसी की वजह से पिछले 4 दिनों से कोई भी कोरोना पॉजिटिव टेस्ट नहीं आया हमारे नवलगढ़ के अंदर। बाबा राम साहब हम सबकी रक्षा करेंगे और हम सब लोग एक दूसरे की रक्षा करेंगे। आप लोग घबराएं नहीं, घर में रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार शर्मा आप लोगों से मिलने के लिए आया हूं, लेकिन ये ऐसी महामारी है कि हम आमने सामने नहीं मिल सकते। हम एक दूसरे को दूर से देख सकते हैं, एक दूसरे को दूसरे की मदद कर सकते हैं। आप लोग घबराएं नहीं, हमारा एक एक कार्यकर्ता गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आपके जीवन के प्रति दिन रात मेहनत कर रहा है, दिन रात सेवा कर रहा है। अपनी जान जोखिम में डालकर आप लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें। कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, ये हमारा वादा। कार्यकर्ता मुस्तैद है। मैं डॉक्टर राजकुमार शर्मा
लोगों से मिलने के लिए आया हूँ। गांव गांव डाली डाली के अंदर पूरे नवलगढ़ क्षेत्र के अंदर सब लोगों से मिलने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है, महामारी है कि आमने सामने हम लोग नहीं मिल सकते। हम लोग सिर्फ फोन के जरिए या ये माइक के जरिए आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। मैं हमारे निवेदन पे आप लोगों ने, पूरा प्रशासन के निवेदन पर आप लोगों ने सख्ती से पालन किया है और इसी का आज नतीजा है कि कोई भी पॉजिटिव पेशेंट अभी पिछले 3-4 दिनों से केस हमारे यहाँ पे नहीं आया है। आप लोग इसी तरीके से अगर इस लॉकडाउन का कर्फ्यू का पालन करते रहे तो बाबा राम साहब जी के आशीर्वाद से बहुत जल्दी हम लोग वापस अपना जीवन शुरू कर पाएंगे। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। मेरी सबसे अपील है हम सब लोग सख्ती से लॉकडाउन का पालन करें और सख्ती से लॉकडाउन का पालन आप लोग कर रहे हो, आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और आज उसी का नतीजा है कि पिछले 4 दिनों से हमारे नवलगढ़ में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। मेरे नवलगढ़ के वासियों, बीमारी है कि हम आपने सामने नहीं मिल सकते, आप लोग चिंता नहीं करें, घबराए नहीं। हम आपकी जान माल की सुरक्षा के लिए पूरे प्रशासन के साथ दिन रात हमारा एक एक कार्यकर्ता फोन पर बात करके और छुट्टी बना ले आपके मोहल्ले की, जिसे जरूरतमंद व्यक्ति है वो व्यक्ति तक हम लोग राशन का सामना आपकी सेवा में दिन रात लगा हुआ है। सभी पार्टी के लोग, सभी सामाजिक संगठन, सब दिन रात आपकी सेवा में लगे हुए हैं। आप लोग जिस प्रकार से लॉकडाउन का और कर्फ्यू का सख्ती से पालन कर रहे हैं, आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। पूरे नवलगढ़ शहर का मैंने दौरा किया है, सब लोग ईमानदारी से घरों के अंदर हैं। आप लोगों की ईमानदारी हम सब लोगों को बचा पाएगी। आज उसी की वजह से पिछले 4 दिनों से कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया हमारे नवलगढ़ के अंदर। बाबा राम साहब भी हम सब की रक्षा करेंगे और हम सब लोग एक दूसरे की रक्षा करेंगे। आप लोग घबराए नहीं, घर में रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार शर्मा आप लोगों से मिलने के लिए आया हूँ, लेकिन ये ऐसी महामारी है कि हम आमने सामने नहीं मिल सकते। हम एक दूसरे को दूर से देख सकते हैं, एक दूसरे को दूसरे की मदद कर सकते हैं। आप लोग घबराए नहीं, हमारा एक एक कार्यकर्ता गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आपके जीवन के प्रति दिन रात मेहनत कर रहा है, दिन रात सेवा कर रहा है। अपनी जान जोखिम में डालकर आप लोग घरों में रहे, सुरक्षित रहे। कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, यह हमारा वादा है। आपका ध्यान रख रहा है और आप लोग जिस प्रकार से सख्ती से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, ये अपने आप में आप लोग बधाई के पात्र हैं। और इस निरंतरता को आप बनाए रखें, बहुत जल्दी हम लोग इस महाबीमारी से छुटकारा पाएंगे और वापस जीवन आपस के अंदर फोन पर बात करके और छुट्टी बना ले आपके मोहल्ले की, जिसे जरूरतमंद व्यक्ति है वो व्यक्ति तक हम लोग राशन का सामान